देख लो ये चेहरा, अभी टूक जाता हम लोग का बाइक। भाई थोड़ा रेस करना चाहते हैं। अरे यार हमको रेस में सब हरा देगा क्या? तो देख लो ये एक छोटा सा ड्रैग है। बेला मेरा एक सुपर बाइक है, तो देख लो यहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वेलकम टू माय चैनल 90s किड अमन। कैसे हैं आप सब? तो आज है दिवाली, दिवाली का धमाका है। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी गाइस। आज हम लोग ऐसी दोस्त यार निकले हैं थोड़ा सा ऐसी हल्का सा गेरी लगाने। यार देख लो, देख लो हमारा ब्लैक पैंथर को, प्राउड ओनर ऑफ रूबी KTM शोरूम। देख लो ये चेहरा, अभी टूक जाता हम लोग का बाइक। ब्लॉग करने के चक्कर में गाइस ये हो जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चलाएंगे आपको। ये भी एक अच्छा नहीं, ये तो चलता है। तुम्हारा लग रहा है कोई पानी वानी जाके खराब हुआ है, तो भाई का जैसे हजार लाइट खराब हो गया, मेरा तो दिख ही रहा होगा हजार जल रहा है। हजार जलने से बड़ा सही फीलिंग आता है, पूरा मोटो जीपी फीलिंग आता है गाइस। समझ रहे हो आप? आपको कैसा लग रहा है जरूर से बताना। अब भाई को देख ही सकते हो, मस्त हेलमेट पहना है भाई ने। अरे तुम्हारा वो हेलमेट क्या किया जो XBHP वाला था? आवाज ठीक से जा नहीं रहा है। हम लोग ब्लूटूथ में कनेक्टिविटी बैठा के रखे हैं, थोड़ा देसी जुगाड़ लगाए हैं। भाई के पास है सेना और मेरे पास है एयरपॉड्स, तो हम लोग कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो ठीक है ऐसा दिक्कत नहीं है। देख लो राइडर है और वो भाई भी प्राउड ओनर ऑफ ऑटो रिव्यू चैनल का, तो मैं लिंक पर डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डाल दूंगा, आप जाके देखो। बाइक्स का रिव्यू बनाते हैं, मैंने भी बनाया है, तो आप आगे चल के वो भी देखोगे तो कैसा लगेगा ज़रूर से कमेंट करके बताना गाइस। यहाँ से जगह मिल रहा है मुझे, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से निकल जाता हूँ, तो देख लो। अपना बाइक को तो देखने में मज़ा आता है, दूसरा का बाइक देखने में बड़ा सही फील आता है। राइडर है, बहुत ही सही राइडर है अपना। भाई को नहीं सुनाई दे रहा है, भाई थोड़ा रेस करना चाहते हैं। अरे यार हमको रेस में सब हरा देगा क्या? तो देख लो ये एक छोटा सा ड्रैग है, तो हम जीतेंगे, हम किसी को जीतने देंगे नहीं। और हम आगे निकल गए हैं और ये सिग्नल है, यहाँ पे थोड़ा धीरे भी चलना पड़ेगा, कैमरा देख रहा है ऊपर से। तो बेसिकली आज हम लोग का वही है, आज का तो वीडियो ऐसी सिंपल मैं बनाने का कोशिश रखा हूँ कि नॉर्मल हम लोग निकले हैं बाइक लेके। भाई अपना 250 एडवेंचर लेके है एंड एक ड्यूक है अपने पास, और बेला तो आप जानते ही हो, बेला को सबकी प्यारी सबकी दुलारी एंड हमारी चहेती बेला। तो बड़ा सही फील आता है, ऐसे बड़ा फीलिंग सही आता है मेरे को ऐसा लगता है मेरा भी कोई ऐसे फुटेज ले ले। भाई के पास वैसे Insta360 है, तो हम कोशिश करेंगे जब राइड पे जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे अपना भी राइड का थोड़ा बहुत 360 शॉट्स दिखाने का। फिर जब मैं अपने से ले लूँगा तब तो आपको जनरली मिलेगा देखने, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको 360 राइड का शॉट्स देखना है तो देख सकते हो। ऑटो रिव्यू वाला भाई चले गए हैं, बाय बाय। वो देखो ऐसे ट्रेप पहन के जा रहे हैं, बाय बाय। ठीक है दूर से आप देख सकते हो, और ये भाई का बाइक है देख लो, एंड ये बेला है अपनी। तो हम लोग ऐसे रास्ता में रुक के ऐसे मस्त मैं व्लॉग बनाया जा रहा हूँ, खतरों के खिलाड़ी खेल रहा हूँ। मैं सोचा चलो व्लॉग करना बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ आ रहा हूँ। तो ऐसे सेना में बात करूँ तो शायद आप लोगों को दिक्कत लग रहा होगा गाइस, लेकिन ठीक है ऐसी जब ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग टूर करेंगे तो कैसे हम लोग को कोऑर्डिनेशन रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉन्ग टूर में ऐसा नहीं होता कि सब ऐसे सांप सीढ़ी की तरह खेलते खेलते जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा नहीं होता है लॉन्ग टूर में, सब अपना अपना जाते हैं, एक एक पॉइंट डिसाइड रहता है कि भाई एक पॉइंट के बाद यहाँ रुकना है, जो पहले जाए वो रुकेगा पहले, या जो लास्ट जाए तो वो ऐसे जाके रुकेगा। यही लॉजिक काम करता है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दे रहा हूँ जितना ज्ञान मेरे को मिल रहा है। शाबाश बेटा। आकाश भाई जा चुके हैं, उनका कुछ काम था, एंड अब हम लोग वेंकटेश भाई एंड हम लोग जा रहे हैं वापस से घर। थोड़ा हम लोग ये रास्ता ले लिए, चलो ठीक है, फॉर द चेंज ऑफ रोड एंड फीलिंग ऑफ मोटो व्लॉगिंग, तो हम लोग ऐसा रोड लिए हैं, क्या बोलते हो? ये गरियाहाट मार्केट है, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों के लिए सामान मिलता है, तो लड़कियाँ जितने भी देख रही हैं आ जाओ और यहाँ पे शॉपिंग करना शुरू कर दो, ये तुम लोग के लिए जगह है देख लो।
पूरा मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये ऑटो करके आना है। बाइक में तो अरे मेरा सुपर बाइक ही बंद हो गया। बेला मेरा एक सुपर बाइक है। आई फील लाइक आई हैव अ सुपर बाइक विथ मी। व्हाट डू यू फील अबाउट माई बाइक ब्रो? इट्स अ सुपर बाइक। सुपर बाइक ही है, भाई भी बोल रहे हैं, भाई भी एग्री करते हैं। क्योंकि देखो मेरे को लगता है कि यार अगर मन में ऐसा बना लिया जाए कि अपने पास भी एक सुपर बाइक है तो एक अलग टाइप का फील आता है। देखो ऐसा नहीं मैं डिमीन कर रहा हूँ कि अपना बाइक कुछ नॉर्मल बाइक में कम है, लेकिन नॉर्मल बाइक का ये सुपर बाइक है, मैं तो यही मानता हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस? हाँ प्रीमियम बाइक तो है ही ऑब्वियसली, नो डाउट। लेकिन अगर देसी भाषा में हम लोग बात करें तो ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल बाइक्स का ये सुपर बाइक माना जाता है KTM। लेकिन कुछ लोग गलत अफवाह फैलाते हैं तो उनसे भी हम आगे चल के डील करेंगे, ठीक है? अगर हमें ऐसा कोई मिला फेस टू फेस बोलने वाला थोड़ा सा। अरे और हमारे यहाँ पे कोलकाता में एक बहुत डेंजरस रोड है, वो है ट्राम लाइन। ट्राम लाइन में बड़ा ही रिस्की होता है चलाना। अरे देखो अभी स्लिप कर रहा है, तो ये बड़ा देख के चलाना। हाँ स्लिप करता है ना भाई। बहुत स्लिप करता है। नहीं हम एक ही बार गिरा है, एक मेरा दोस्त है उसका 135 था पल्सर, तो हम लोग तीन जन कैरी कर रहा था, अचानक से गिर गया एकदम। उसमें हमको पोजीशन भी नहीं मिला, लेकिन जब मेरा बाइक लेके हम एक बार डिसबैलेंस हुआ था, जब बुलेट चलाता था तब डिसबैलेंस हुआ था तो बच गया था, किसी कारण बचा लिया था। वो दो ब्रिज पे जो लोहाला ब्रिज है ना उस पर बच गया था, और अपना ये वाला में गिर गया था एक बार, तगड़ा गिरा था। तो ऐसा होता रहता है बच के। अरे ऐसा कोई बाइकर नहीं होगा शायद जिंदगी में कभी नहीं गिरा होगा, क्या बोलते हो? अरे भाई हम तो बहुत गंदा गंदा गिरा है, मतलब अपना बाइक लेके तो हम कभी गिरा नहीं वैसा, टच वुड अच्छा है ना गिरे भी, लेकिन भाई दूसरा का बाइक लेके बहुत गंदा गंदा गिरा है। जैसे कि जब हम शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा स्टॉपी करता था, स्टॉपी कर रहा है दो चार बार किया मस्त स्टॉपी किया, एक बार किया ध्यान ही नहीं दिया, नीचे बाली था 135 शोरूम से बाइक लेके आया शाम को लड़का, हमको दिया, हम स्टॉपी किया, उसको भी बड़ा मजा आया, सब कुछ सही हुआ, भाई गिर गया। कुछ ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं था, लेग गार्ड और ये और इसमें दाग हुआ था और कुछ दाग नहीं हुआ था, तीनों चेंज करा दिया संगे संग। अरे बाबा तो वैसा करके तो बच गया था। और ये हम लोग आ चुके हैं लेक मॉल, कभी आएंगे लेक मॉल तो लेक मॉल का भी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, कुछ खाएंगे ऐसे। आज आपने देखा है अभी तक तो वीडियो में कुछ ऐसा हमने खाया पीना नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग खा पी के ही निकले हैं घर से, तो खाना पीना हो नहीं पाया है। बैड लक, आगे चलेंगे तो कभी कुछ ऐसा खाएंगे तो उसका भी वीडियो आपको शेयर करेंगे हम लोग ज़रूर से। एंड बहुत तगड़ा तगड़ा वाला राइड आने वाला है, थोड़ा लॉन्ग ट्रिप्स आने वाला है, क्योंकि आकाश भाई के साथ आज थोड़ा प्लानिंग वैनिंग हुआ है हम लोग का, तो वो भी आपको आगे चलने के देखने मिलेगा। अरे बाबर ये गाड़ी चापता है ऐसे, गाड़ी वाड़ी बहुत चाप देता है कभी कभी। ऑटो वाला तो भाई क्या बोले, दुर्गा पूजा में ऑटो वाला को बंद कर देता तो इसीलिए। नहीं तो ये लोग पूरा जिंदगी ख़त्म कर देगा, बाइक लोग का और गाड़ी लोग का। तो काली पूजा का लाइटिंग हो चुका है शुरू, देख लो ये बड़ा सही फीलिंग आ रहा है। तो ठीक है ये तो हम लोग अभी यहाँ से पार क्रॉस कर ही रहे हैं अपना काली घाट। अरे बहुत जाम है ये रास्ता, सब जाम जाम में अच्छा नहीं लगता है जाने को। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। अरे खाना गिर गया है भाई, इस यार बेचारा साइकिल वाला का खाना गिर गया है, अब क्या कर सकते हैं। अब ये ब्रिज साइकिल के लिए अलाउड है, लेकिन अब चलो गिर गया तो क्या करा जा सकता है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने घर के इधर, सब भाई लोग चले गए हैं तो हमें मौका नहीं मिला मिलने का, रुक के बात करने का, क्योंकि थोड़ा सभी को ही जल्दी में थे। तो चलो कुछ कर नहीं सकते, मेरा घर आ चुका है ऑलमोस्ट। मैं बोला कि चलो व्लॉग को थोड़ा एंड किया जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देख लो बेला को, वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और अच्छा लगे, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करो इस चैनल को, देख लो। एंड ठीक है तब तक के लिए राइड हार्ड लिव फ्री, बाय बाय गाइस।